छात्रः सर्वेषां कृते मम सुप्रभातम् अद्य अस्मिन् संस्कृत कालांशे भवतां कृते मम स्वागत तथा अभिनन्दनं परन्तु कालांश आरम्भस्य प्रागेव वयं सर्वे ओंकारं करिष्यामि आगच्छतु ब्रह्मणात् करिष्यामि ब्रह्मणः विभागस्य नूतन विषय वयं पठिष्यामि भवतः पाठ्यपुस्तके स्थित सुगाळ चतुर सुगाळ वयं पठिष्यामि चतुर सुगाळ विषय यत्किमपि अत्र विद्यते तत्र लक्षणं किम् अस्ति सुगाळ चतुर भवति प्राणिषु सुगाळ चतुर एवं कथ्यते परंतु पश्यतु चतुरता बुद्धि विचार अस्माकं जीवने नूनं आवश्यकता वर्तते यदि बुद्धि नास्ति तई ज्ञान किमपि अपि कार्यं कर्तुं न पारयति अतः बुद्धि स्वस्य जीवनं अनायासेन जापयितुं बुद्ध्या प्रयोजनमस्ति केन प्रकारेण सुगाळ स्वस्य चतुरता माध्यमेन स्वजीवनं अनायासेन जापयितुं समर्थ भवति तदत्र वर्णितमस्ति परन्तु सुगाळ विषय पठनम् अस्माकं लक्ष्य नास्ति लक्ष्य अस्ति एवं भवति संसारस्य जो जटिलता वा जा जटिलता विद्यते वयं सर्वे स्वबुद्ध्या बलेन तां जटिलतां अनायासेन तरितुं वयं यत्नः कुर्म तहि अस्माकं जीवन सरल सुन्दर अपि भविष्यति लक्ष्य भवति एवं भवति सर्वदा स्वस्य चतुरता स्वस्य बुद्धि स्वस्य विवेक प्रयोग करणीय आगच्छतु किं तत्र लिखितमस्ति अस्य विषयस्य किं तत्र उपक्रम विद्यते आगच्छतु किञ्चित् पठिष्यामि जानीमः तस्मिन् विषये प्राणिषु सुगाळस्तु चतुरतम इति प्रायश सर्वे आम्नातम् स्वीय बुद्धिबलेन तेन असाध्यमपि साधयितुं शक्यते क्षुद्रपि सप्रबल बलान्विता सिंह व्याघ्र वृकादि स्वीय कौशल कलाकलापेन वञ्चयित्वा स्व अभीष्टं साधयति प्रस्तुत कथायम भवत पुस्तके लिखितमस्ति कथेयम अहम संधि विच्छेद करोमि कथायम इयम कथा प्रस्तुत कथेयम वा कथायम विद्वत अग्रसरेण विष्णु शर्मणा विरचितस्य पंचतंत्रस्य लब्ध प्रणास भागा संकलिता मनुष्याणां कृते नीतिरियम लिखितमस्ति नीतिरियम वास्तवतः नीति इयम इयम नीति शिक्षणीया जत शरीर दृष्टिया दुर्बल अपि जन सुगाळैव सुचतुरस्य ततः अक्लेशेन बहु बलशालिनम् अपि प्रतिद्वन्दिनम् पराजित्य स्वकार्यं साधयति सा एव नीति अत्र सुनिपुण प्रयुक्ता तस्य साफल्यं च
लोकशिक्षार्थं प्रदर्शितम्। अति सुंदर कथा अत्र लिखितमस्ति, मनुष्याणां कृते इयं नीति शिक्षा शिक्षणीया। ना गुरुजी का नीति शिक्षणीया आगच्छतु आलोचना कुर्मः। यद् शरीर दृष्ट्या दुर्बल अपि, यदि कोऽपि जनः दुर्बल अस्ति तर्हि खेद नास्ति मनसि दुःखं नागच्छति। कथमिति चेत् ना दुर्बल अपि जनः सुगारयिव, यदि सुगारयिव स चतुर स्यात् तर्हि बहु बलशालीनमपि बहु बलशालीनं व्याघ्रादि तं बहु बलशालीनमपि अक्लेशेन स्वबुद्धिबलेन स्वचतुरता माध्यमेन च बहु बलशालीनं प्रतिद्वन्द्विनं पराजित्य स्वकार्यं साधनं कुर्यात्, साधनं कर्तुं पारयति। अत्र कथनस्य अभिप्रायः मया प्रागेव उक्तं, स्वजीवन यापयितुं बुद्धि विचार चतुरता आवश्यकता वर्तते। यदि बुद्धि नास्ति ज्ञानस्य अपि किमपि प्रयोगोऽपि न भविष्यति। अस्तु, विशेष्य प्रवेशं वयं करिष्यामः। अस्ति कस्मिंश्चित् वनदेशे महाचतुरक नाम सुगाढ, तेन कदाचित् अरण्ये स्वयं मृतः गज समासादितः, तस्य समन्तात् भ्रमति परं कठिनां त्वचं भेदं न शक्नोति। तत्रान्तरे भ्रमन् तत्र देशे कश्चित् व्याधः कश्चित् सिंहः समायातः, तं दृष्ट्वा स क्षितितल विन्यस्तमौलि संयोजित करजुगळ प्रोवाच, स्वामिन् त्वदीयम् अहं लाक्षणिक त्वदर्थं त्वदर्थे गजमिमं रक्ष्यामि तदेनं रक्षेत् स्वामी। अस्तु, आलोचनां कुर्मः। छात्रः, अत्र अहं किमपि अत्र व्याकरणविषये अहं लिखनं करोमि, पश्यतु साक्षादेव। मया पठितं प्राणिषु सुगाळस्तु चतुरतम, अत्र प्राणिषु लिखितमस्ति, प्राणिषु लिखतु कृपया भवतः खातिकायां लिखतु, प्राणिषु निर्धारणे सप्तमी, प्राणिषु सुगाळस्तु सुगाळः युक्त तु सुगाळस्तु, प्राणिषु सुगाळस्तु चतुरतम इति प्रायशः सर्वे आम्नातम सर्वे कथितम इति अर्थः, जे प्राणिषु सुगाळ प्राणिषु सुगाळस्तु चतुरतम इति प्रायशः सर्वे आम्नातम, प्राणिषु निर्धारणे सप्तमी, सुगाळस्तु सुगाळ युक्त तु सुगाळस्तु। पश्यतु, पुनश्च स्वीय बुद्धि बलेन, स्वीय बुद्धि बलेन अर्थ होति स्वीय निजस्व स्व बुद्धि बलेन, स्वीय बुद्धि बलेन इति अर्थ निज निजस्य बा निजस्व बा स्वस्य बुद्धि बलेन। अस्तु, बुद्धि बलेन स्वीय बुद्धि बलेन हेतु तृतीया स्व बुद्धिया इति अर्थ स्व बुद्धिया, असाध्यमपि 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 साधयितुं शक्नोति, क्षुद्रः अपि क्षुद्रोपि विसर्ग अत्र अस्ति ओकार भविष्यति, क्षुद्रः युक्तोपि क्षुद्रोपि। पुनश्च लिखितमस्ति स्वीय बुद्धिबलेन तेन असाध्यमपि साधयितुं शक्यते, अत्र पश्यतु साधयितुम् अहम् अत्र लिखामि साधुतत्वं साधयितुम्, अस्य रूपो भवति साधयति साधयतः साधयन्ति साधुतत्वं साधयितुं 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 शक्यते, क्षुद्रपि स प्रबल बलान्विता सिंह व्याध भूतादीनां स्वीय कौशल कलाकलापेन स्वीय कौशल कलाकलापेन एतौ तृतीया स्व कौशल कलाकलापेन वञ्चयित्वा 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 भवतः ऐषम भवतः पाठ्यक्रमे वा पाठ्ययोजना मध्ये प्रकृति प्रत्यय अस्ति, सचिव गुरुजी भवतां कृते उक्तवान् किमस्ति प्रकृति प्रत्यय अस्ति, अहमपि अहमपि अत्र लिखितं मया लिखितम् अत्र वञ्चयित्वा वञ्चयित्वा वञ्चयित्वा। पश्यतु,
कुत्र लिखतम सम पंचयित्वा स्व अभिष्टम साधयति स्व अभिष्टम स्वस्य अभिष्टम स्व अभिष्टम स्व युक्त अभिष्टम स्व अभिष्टम साधयति प्रस्तुत कथयम अत्र लिखितम कथयम कथा युक्त इयम कथयम प्रस्तुत कथयम प्रस्तुत कथयम विद्वत अग्रसरेण विष्णु शर्मणा विष्णु शर्मणा अत्र लिखितम अस्ति विष्णु शर्मणा अन्ते कर्तृ तृतीया विद्वत अग्रसरेण विष्णु शर्मा विशेष्य पदस्य विशेषण पद होति विद्वत अग्रसरेण तो विद्वत अग्रसरेण विष्णु शर्मणा उभय अनुते कर्तृ तृतीया भविष्य विरचितस्य पंचतंत्रस्य लब्ध प्रणाश भाग संकलित भाग अत्र लिखितमस्ति उपादान पंचम लब्ध प्रणाश भाग पंचतंत्रस्य लब्ध प्रणाश भाग अयम विषय आनीत अत्र स्पष्टतया अत्र लिखितमस्ति मनुष्याणां कृते इयम् नीति मनुष्याणां कृते अत्र मनुष्याणां कृते शब्दयोगे षष्ठी पिता मम कृते एकं पुस्तकं आनयति बापा मो पाई गोटे बही आनी कृते शब्दयोगे षष्ठी मनुष्याणां कृते इयम् नीति एही नियम ए नीति शिक्षणीय जत शरीर दृष्टिया दुर्बल अपि शरीर दृष्टिया दुर्बल अपि दुर्बल अपि नीति हितयम् नीतिरियम् शरीर दृष्टिया दुर्बल अपि जनः सुगालैव सुचतुरस्य ततः अक्लेशेन बहुबलशालिनमपि प्रतिद्वन्दिनं पराजित्य स्वकार्यं साधयित्वा स्वकार्यं साधयितुं ससमर्थो भविष्यति सैव नीति सैव नीति अत्र लिखितमस्ति सैव 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 नीति अत्र सुनिपुण प्रयुक्ता तस्या साफल्यं च लोकशिक्षार्थं प्रदर्शितं लोकशिक्षार्थं लोकहितार्थं लोकजनहिताय अत्र अयं विषय अत्र प्रदर्शिता अयं विषय विष्णु शर्मणा विरचितं अस्य व्याकरण जब किमपि अस्ति कृपया लिखतु अस्मदपि किमपि प्रश्नम् आगच्छति छात्राः सम्प्रति प्रथम अनुच्छेद विषये वयम् आलोचनां कुर्मः अत्र लिखितमस्ति अस्ति कश्चिति वनदेशे महाचतुरक नाम सुगाल हम लिखितमस्ति कस्मिन् कश्चित् वनन्तो देशे कस्मिंश्चित् वनदेशे वनदेशे एतादृशं भविष्यति वनदेशे अर्थात् वनप्रदेशे महाचतुरक नाम अव्ययोगी प्रथमा तेन अनुक्ते कर्तृ तृतीया अरण्ये अधिकरण सप्तम समासाधित संयुक्त आसाधित समासाधित तत्र समासाधित शब्दस्य प्रकृतिपद एवं भविष्यति संयुक्त आदित संयुक्त तस्य समन्ता समन्ता अर्थात तस्य समीपे समन्ता शब्दयोगे षष्ठी भेदं विद्युतत्वं भेदं भ्रमस्तत्र भ्रमन्तु तत्र भ्रमस्तत्र समायात सम आजात समायात प्रवाच प्रयुक्तो उवाच स्वामी संबोधने प्रथमा लाकुटिक लाकुटिक शब्दस्य अर्थ भवति जगुआरि लाकुटिक तद् एनं तत्र एनं तदेनं एनं कर्मणि द्वितीया आगच्छतु पठिष्याम अस्ति कश्चित् वनोदेशे महाचतुरक नाम सुगाल तस्य सुगालस्य नाम भवति किं नाम महाचतुरक तेन कदाचित् अरण्ये स्वीय स्वीयं मृतः गज एक गज स्वतः मरणं प्राप्त एतादृश गज समासाधितः स तेन प्राप्तः एक मृत गज तेन प्राप्त अप्राप्त ना महाचतुरक नाम सुगाल तो कस्मिंचित अरण्ये स्वयं मृत गज स प्राप्त गज स्वयं स्वयं मृत होती स्वतः मृत होती एतादृश गज केन प्राप्त सुगालेन प्राप्त तस्य समन्तात् भ्रमति तस्य समन्तात् तस्य समीपे कस्य समीपे गजस्य समीपे स भ्रमति परं कठिन त्वचं त्वच इत्युक्ते तस्य चर्म कस्य चर्म गजस्य चर्म भेदुं न शक्नोति तस्य पाश सुगार तस्य दन्ते
गजस्य सुदृढ़ त्वचं स भेतुं न शक्नोति अतः तत्रान्तरे स भ्रमन् तत्र देशे कश्चित् सिंह समायत साक्षादेव तस्मिन् समये एक सिंह आगच्छति यदा स सुदार सिंह दृष्टवान् तं दृष्ट्वा स क्षिति तल विन्यस्त मौळि तस्य स नतमस्तक भूत्वा क्षिति तल विन्यस्त मौळि अस्य अर्थवती नतमस्तक भूत्वा संयोजित कर युगल स्वस्य हस्त युगलम एतादृशं संयोजना भूत्वा संयोज्य किं कथयति अत्यंत अत्यंत विनम्र भावेन नम्रता पूर्वक किम ना क्षिति तल विन्यस्त मौळि पुनः संयोजित कर युगल प्रवाच अत्यंत विनम्रता विनम्रतया सह अत्यंत विनम्र सह किम कथयति स्वामीन तोदीयम अहम लाकुटिक तब कृते अहम लाकुटिक तुम्हें मुझे एक जगुआड़ी हे स्वामी तुम्हें मु जगुआड़ी हे स्वामी त्वदीय अहम लाकुटिक तोदर्थे इमं गजम रक्षामि तुम्हें एक गजटी रखी आप प्राप्त हूँ तोदर्थे अहम गजबीम रक्षामि तदेनं भक्षयतु स्वामी अत्यंत विनम्रता सह स कथयति स्वामी कथयति भो स्वामी तोदीयम अहम लाकुटिक तुम्हें मुझे एक जगुआ सदृश तदर्थे अहम एनम गजम त एनम गजम रक्षामि तदेनम भक्षयतु स्वामी स्वामी एनम भक्षयित्वा स्वस्य क्षुधा नाशयतु एतादृश भवति प्रथम अनुच्छेदस्य जो अर्थ भवति एतादृशम् अस्ति भवान् कृपया पठतु अनन्तरम् अहम् अस्य संक्षिप्त प्रश्न पुनश्च अस्य उत्तरविषये किमपि आलोचनां करिष्यामि अद्य समय सञ्जातम् अस्तु धन्यवादः सर्वेषां कृते मम नमः।